श्रीक्षेत्र विकास नहीं नवीन सरकार पिटुले मिछ डिंडीम एवं भी अधपंतरिया अबढ़ा योजनार अधिकांश प्रकल्प काम परिक्रमा प्रकल्पर तरबरिया उद्घाटन पछरे थिला निर्वाचन चिंता सबु असंपूर्ण छाड़ी बीजेडी सरकार खर्च करिदेले 4500 कोटी टंका श्रीक्षेत्र में मालामाल अधपंतरिया प्रकल्पर कौन हेब भविष्य दुर्नीतिर गंध बार तदंत दाबी कले बुद्धिजीवी और सेवायत प्रचार में सीमित रहीगला बीजेडी सरकार पुरी को विश्व ऐतिहास सहर बनाइबार घोषणा केवल श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्पर तरबरिया उद्घाटन कर पूरा श्रीक्षेत्र रूपांतरण करिथिबा नै डिंडीम पिटिथिले नवीन सरकार 4524 कोटी टंकार खर्च करा जाय श्रीक्षेत्र कायाकल्प परिवर्तन करिबा कथा कुहा जायथिला किंतु वास्तवता हेउछि प्रस्तावित 22 टी प्रकल्प मध्यरु अधारु अधिक प्रकल्पर निर्माण जाय आरंभ होइ नथिबा बेले बाकी प्रकल्प गुड़िक अधपंतरिया होइ पड़ि रहिछि यहाँ पुरीर बुद्धिजीवी और सेवायत महल में देखा तीव्र प्रतिक्रिया 4524 कोटी टंकार खर्च में दुर्नीतिर गंध बार तदंत कर दावी तेनाली टा होशावासी राजकोषर जा तो से राजकोष जा टा गुड़ी विनिमय कर सरकार विरुद्ध में आम से कहीलु एवं कहूँ जे एगुड़ी सब इमिडिएट विनियोग हो इमिडिएट तार पूर्व सरकार जहाँ करी तार जदि तदंत हवा कथा तदंत सापेक्ष हो निश्चित भाव घोटाला ना कौन जो जो जहाँ कार्य हो सब बेसि कारबार होती समस्त दौरान आप देखुं सब जंत्री मंत्री धरा हो भाव में हल्लुट कर ओबीसी लोक जो धरा हो जानते हैं कौ भाव लुट होती तेणुकर सब जिनस को ये नूतन सरकार आई जहाँ भी समय जहाँ करागुड़ा पुणी सबु कंप्लीट करने उद्यम करूँ कहीं समस्त भक्त उद्देश्य था श्रीक्षेत्र रूपातरण ना 19 पुरातन मठ और ऐतिह संपन्न रघुनंदन लाइब्रेरी को भांगी माटी मिसाई दिगला किंतु यह ऐतिह कीर्तिराज को धूलिसात कर बदल श्रीक्षेत्र को मिलला कण अबड़ा योजना अंतर्गत 4524 कोटी प्रकल्प मध्य रही श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प श्रीमंदिर प्रशासनिक कोठा उन्नतीकरण रघुनंदन पाठागार मूसा नईर उन्नतीकरण जगन्नाथ वल्लभ तीर्थयात्री केन्द्र श्री सेतु श्रीदांड 18 नला उन्नतीकरण श्रीमंदिर चतुर्पार्श्वर उच्छेद मठ और मंदिर उन्नतीकरण मार्केट कम्प्लेक्स उन्नतीकरण समंग पार्किंग स्थल बहुतल पार्किंग बेलाभूमि सौंदर्यीकरण तेरे ए सबू प्रकल्प एवं अधपंतरिया रही बेले मूसानई उन्नतीकरण रघुनंदन लाइब्रेरी निर्माण समंग पार्किंग आदि मूलर ही आरंभ होना सेपटे बीच डेवलपमेंट 102 कोटी टंका मंजूर होते अंतर्गत क्याबिन सबू खत खाईगला से प्रकल्प कामर समीक्षा ना सप्ताह दुई थर पुरी आसुले नवीन गुमास्ता भिके पांड्यान ताले की समीक्षा करुले तमिल साहेब ना केवल प्रचार थिला उद्देश्य बर्तन मुझे ओडिशा रे जो नुआ सरकार मोहन माझी सरकार सी बर्तन आगे आसवा कथा ये 4200 कोटी टकर प्रकल्प जो पैसा हरी लुटे हजार हजार कोटी टाँग मानते आप 4200 कोटी मानते शह शह कोटी कुआटे जाए किए नहीं तार पता बर्तन मिलते आप देखिए से मंत्री आई कि न सेठी केते जन उपरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भुवनेश्वर आसुले पांडियान साहब आसुले करुले तेणु ओबीसी ओबीसी सी की देते दायित्व किंतु पैसा टाक से लुटुते अधापतरी आम मेन आप देखुए आम एडजस्टमेंट जो पुराणा एसजेटी ऑफिस बिल्डिंग थिला सेटा आपणकर इनकम्प्लीट रही बाकी आपणकर जेबीपीसी इनकम्प्लीट रही प्रोजेक्ट लिस्ट आम डिटेल मागिचु विभिन्न जोड़ा टेकअप कर विभिन्न ईयर डिटेल देखिए जनता उपयोग जहाँ कंपोनेंट्स थिला प्रायत सब सरी जमी आप ठीक कथा कहले विभिन्न जो मठ मंदिर जो कोर बिल्डिंग गुड़ा थिला रिस्टोर कराऊ जेहेतु एगुड़िक बहुत पुरातन बिल्डिंग अच्छी
ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ସେନ୍ସିଟିଭଲି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମଠ ମହନ୍ତ ଏବଂ ସେଠି ଥିବା ସାଧୁମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଓବିସିକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ଅଧବନ୍ତରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ନବୀନ ସରକାରର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ଆଦୌ ନଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା। ଏହି ଚଞ୍ଚକତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋହନ ସରକାର ଏସବୁ ଅଧପନ୍ତରିଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ଅବଢ଼ା ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରି ନେବେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶ ଓ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।